यार मैं तो रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर अब टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी हो गए हैं कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट। आपकी भरपूर तालियों में ईशल फयाज। ईशल जी, TBH देखा पहले? जी बिल्कुल देखा। क्यों देखा, किसने मना नहीं किया? ये क्या देख रही हो ईशल? नहीं कोई क्यों मना करेगा। कौन है ये ईशल, कहाँ से आई ईशल, क्यों आई है ये ईशल? बस आपकी कॉल आई तो मैंने कहा चलें, अब आप बुला रहे हैं इतने प्यार से तो चलते हैं आपके शो पे। ये तो बहुत खतरनाक बात है ईशल, कोई इंक्वायरी कराती, कौन है ये जो फोन कर रहा है? इंक्वायरी तो मैंने कर ली थी यूट्यूब पे देख के आपको। तब भी आप आ गए। एक्टिंग से पहले ईशल क्या कर रही थी? मॉडलिंग। उससे पहले क्या कर रही? पढ़ रही थी। क्या पढ़ा? फाइनेंस। आई वॉज अ वेरी बैड स्टूडेंट, अकाउंट्स। पढ़ने का कभी शौक था ही नहीं बचपन से। उस पर इतनी मुश्किल चीजें पढ़ ली। आई नो, आई अकाउंट्स एक वाहिद सब्जेक्ट है जिस मुझे कभी समझ नहीं आया, मुझे आज तक समझ नहीं आया क्या क्रेडिट करना है क्या डेबिट करना है, आई नो मुझे भी नहीं आता भाई। दो नंबर आए थे, सबसे कम नंबर पूरी हिस्ट्री में हमारे इंस्टीट्यूट के मेरे आए थे दो नंबर, क्योंकि वो डेबिट की जगह क्रेडिट हो रहा था भाई। आई नो, सब उल्टा था उसमें, मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि क्या है। मैं तो शीटें ऐसी बैलेंस कर रहा था, आखिर में वही फिगर दोनों जगह लिखकर पारित कर दिया। अच्छा, तो पढ़ाई का शौक नहीं रहा तो इसलिए मॉडलिंग में? थोड़ा सा इशू हुआ था, अम्मी नहीं मानती थी एक्टिंग के लिए। अम्मी नहीं मानती? अम्मी, हाँ अम्मी नहीं मानती, हर जगह अम्मी पसूड़ी जरूर अटकी, जिस जिससे शादी करो शादी करो। मैंने कहा मैं पसंद की शादी कर लूंगी, फील्ड में तो आने। वो कहती मैंने कर ली, अब तुम भी फंसो, मैं अकेले क्यों करूँ। तो मुझे बचपन से ही था कि मुझे लव मैरिज करनी है, तो वो जब कोई मिलेगा तो लव मैरिज हो जाएगी, और वो तो कभी भी कहीं पे भी मिल जाएगा। सही है भाई। अच्छा तो कोई ट्रेजिक स्टोरी है एक्टिंग में आने की, या सिंपल सिंपल जैसे आप बता रही हैं ऐसा लग रहा है बाय चॉइस ही आप जो आप ख्वाहिश कर रही हैं वो हो रहा है? बचपन से ही शौक था मॉडलिंग करने का, मॉडल बन गई, बचपन से शौक था एक्टिंग करने का, एक्टर बन गई, बाकी सब स्ट्रगल कर रही हैं? नहीं, डेफिनेटली आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। वो पता है उसके नंबर है सारे। डेफिनेटली आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। मैं जब फील्ड में आई थी तो मैं बहुत चबी थी, आई वाज 60, अब मैं 50 हूँ, तो बहुत डिफरेंस आ गया 60 से 50। ये 60 पाउंड और 50 केजी का फर्क है या 60 केजी और 50 केजी? 10 केजी, आई हैव रिड्यूस्ड 10 केजी, और अभी भी आई एम मेंटेनिंग दैट डाइट, और सिर्फ डाइट। वेरी गुड। आप डाइटिंग करते हैं या आप इतने पत्ते कैसे हैं या दुख हैं बड़े क्या? गुरबत, इतना बड़ा शो कर रहे हैं आप फिर भी गुरबत, इतने आपके व्यूज आ रहे हैं मतलब यूट्यूब पे, और फिर भी आप बोल रहे हैं गुरबत। मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, मैं कम में ज्यादा चलता हूँ भाई। ये सब शूशा है बेटा, ये सब दुनिया की रौनकें हैं, ये सब यहीं रह जाएगी। ऑनेस्टली आप सब खाते हैं या डाइट करते हैं? बस मुझ पे अल्लाह का करम है, ब्लेस्ड हैं आप, हलाल में इतना ही होता है। अच्छा ये जो ग्लिट्स एंड ग्लैम है शोबिज इंडस्ट्री के, उसकी रियलिटी क्या है? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप आई तो आपकी मॉडलिंग से डायरेक्ट टीवी पे या फिल्म में आमद हुई, तो आप काइंड ऑफ एन आउटसाइडर हैं, कोई फैमिली का बैकग्राउंड तो नहीं? माय सिस्टर वाज इन द फील्ड। ओके जी, बड़ी बहन थी फील्ड, तो उन्होंने कभी बताया मत आना इधर गंदी जगह, ये होता है ना यार। साइलेंट लाफ्टर में पहली बार सुन रहा हूं, समझ नहीं आ रहा लाफ्टर है नहीं है। चल थोड़ी देर हंस, एक दो कुछ पूछा भी नहीं ऐसा मैंने। बाजी ने क्या बताया? कुछ भी नहीं, मुझे शौक था, मैं उन्होंने मना किया था बट मुझे शौक था। मना किया? Because they wanted me to get married, वो बोलते थे शादी करो बच्चे पैदा करो, तो बाजी से नहीं कहा किसी ने? उनसे भी कहा, फिर उनकी शादी हो गई, शी इज इन अमेरिका, शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो वहाँ पे मॉडलिंग करनी है शादी के बाद भी। ग्लोबल फैला हुए आप हर जगह। इम्पोर्टेंट सवाल है और सीरियस सवाल, हमें ऐसा लगता है कि हमने सवाल पूछा ये सबसे कि क्या इस इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, बिल्कुल सीरियस रहूंगा इस सवाल पे, है ही सीरियस सवाल। करता होगा, हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती कि नहीं करता होगा, आई एम श्योर करता होगा। कोई कभी ऐसा कुछ ऐसा आपके साथ तो इंसिडेंट नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, आगे होगा तो जरूर शेयर करूंगी आपके। शेयर क्यों करेंगी, वहीं पे एक्सपोज करेंगी उसको, शेयर करेंगी। आई मीन वही आगे जूते मारेंगी उसको, आपके शो में आके एक्सपोज करूंगी ना, दोनों मिलके जूते मारेंगे। आप उधर ही बुला लीजिएगा, आपका होना बहुत जरूरी है, इधर इंतजार ना करिएगा, आप एक्सपोज बहुत अच्छे से करते हैं। अरे भाई 3-piece सूट पहना बैठा हूं मैं यहां पे यार। ठीक है, वेरी गुड। चाय पी ले, सवाल पूछो, मतलब ये ना मेरे मुंह पे निकल आए चाय, चाय पी रख दे, डेंजरस हो रही है।
एक घूंट पी के रख दें सर. मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द थर्कीएस्ट ऑफ देम ऑल. दाबिश बता दिया उन्होंने, ये सही जवाब दिया उन्होंने. बेटा तुम लोग गलत. थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी गाइस. ये पता है इनको सुबह से बिठाया हुआ है ना. आप सही जवाब दिया. नहीं नहीं, वैसे इंडस्ट्री में ऐसा लगता है कि है माशाल्लाह से ठरकी लोग हैं. अभी तो आवाम ने बताया. अरे वो तो सवाल काटो ये वाला. अब आप मुझे ये बताइएगा, मुश्किल सवाल पूछूं. काफ कंगना जी, इस फिल्म पे इतना कॉन्फिडेंस था प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्ट्रेस को कि इसका नाम ही पहले काफ से स्टार्ट किया कि इसकी काफ रहेगी. कच्ची होती ना, वो कहते हैं तुम्हारी काफ है. काफ कंगना 2-3 साल सदियों में बनी वो फिल्म, 2 दिन में हट गई. 2-3 साल तो नहीं, 14 months में फिल्म कंप्लीट हो गई. साल से तो पर हो गया. हाँ, इतना टाइम तो लगता है. अब मौला जट देखें कब से बन रही है. ड्यूरिंग द शो जब ये फिल्म रिकॉर्ड हो रही थी तो ये रियलाइजेशन थी कि यार कुछ सही बन नहीं रहा. ऐसा था कुछ, या उस वक्त सही लग रहा था? जैसे अभी शो चल रहा है तो ऐसा लग रहा है सब सही चल रहा है, जब नजर आता है ना अबे ये क्या बोल दिया ये. तो उस फिल्म को बनाते वक्त एहसास हो रहा था? मुझे मेरे पार्ट को लेकर एहसास था इस तरह से कि कपड़े और ज्वेलरी और एक्टिंग सब ना वो खलील साहब अपनी मर्जी से करवा रहे थे. तो कुछ सीन्स ऐसे थे, कुछ चीजें ऐसे थी, मैं उन्हें बोलती थी कि मतलब बहुत लाउड सब कुछ हो रहा था. तो मैंने उन्हें बोला भी, बट उन्होंने बोला कि नहीं, एक्टिंग इज यू नो फिल्म इज लार्जर देन लाइफ, तो यू हैव टू एक्सप्रेस मोर. कैसे कहूं? एंड ही इज अ सीनियर, यू नो ही हैज हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यूज. तो जो भी कहा उन्होंने सही कहा होगा, शायद मुझे नहीं आईडिया. तो इसलिए कवर करा आपने फौरन. नहीं, कवर नहीं करा. मैं उनकी नकल उतार रहा था, आप थोड़ी उतार रही थी. बाद में नकल तो उतारने देती, उसमें बाद में डांटती ताकि आइटम भी चला जाता और आपकी भी वाह हो जाती कि यार उसने आवाज उठाई. आपने कहा देखा उनको ऐसे सिगरेट पीते हुए? टीवी पे. अच्छा, टीवी पे आ रहे थे. अच्छा, पीते है ना ऐसे? जी है ना, ऐसे पीते ना. तो तुम झूठ तो नहीं बोल रहा? ये जो तुम्हारे कपड़े हैं सर, ये लाउड होंगे. आप मना करती थी कभी? मैं नहीं पहनूंगी खलील भाई. नहीं, मैंने तो कभी मना. ठीक, कैसा एक्सपीरियंस है ओवरऑल उनके साथ काम? इट वाज नाइस, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम. ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर. मैं जो अगली फिल्म कर रही हूँ वो भी उन्हीं की लिखी हुई फिल्म है. तो सही से लिखी उन्होंने इस बार. फिर से लिख रहा हूँ मैं, वो गलत लिख दी थी मैंने. अरे क्या हो गया? वापस आएंगे. सीरियस करो, सीरियस सवाल पूछता हूँ. सीरियस सवाल पूछता हूँ आपकी. पता नहीं आपको देख के मुझे हंसी आती है, ऐसा क्यों है? सैड लाइफ. अच्छा, आपकी फिल्म में एक नामी ग्रामी आइटम सॉन्ग भी था जी, जो नीलम ने कहा कि मैंने मुल्क और कौम के लिए किया. उन्होंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनका मुल्क और कौम के लिए कुछ भी. यार मैं तो रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर अब टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी हो गए कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट. तो ये आइटम सॉन्ग की फिलॉसफी से अग्री करती हैं और आपको ऑफर होगा तो आप करेंगी? अभी तक तो मुझे लगता है मैं नहीं करूंगी. ठीक है, सर, फेयर इनफ. आई डोंट वांट टू डू आइटम्स. क्या आपको लगता है जरूरत होती है फिल्मों में इसकी, या सिर्फ ऐसी कमर्शियल बनाने के लिए डाल देते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा माशरा ऐसा है, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हमें उसके हिसाब से काम करना चाहिए. ठीक है. जब मैं मॉडलिंग में शुरू में आई थी तो मुझे आइडिया नहीं होता था. मैंने किए हैं शूट्स, किए हैं इतने कपड़ों में भी शूट्स किए हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, दिस इज यू नो टू रिवीलिंग. एंड मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान के हिसाब से चीजें करनी चाहिए, शूट्स करने चाहिए काम. तो फिर मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और अब मैं शूट्स भी नहीं करती रिवीलिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे आप रहते हो आपको वहाँ का कल्चर अपनाना चाहिए. वेरी गुड. ठीक है, तो अच्छा, ठीक है, वेरी गुड. अब आप वापस आ रही हैं शो में, अब वापस आ रही हैं शो. अच्छा, इसी अभी फिल्म पे बात कर रहे हैं, काफ कंगना में बहुत हम सुन रहे थे, हम तो आवाम है ना, तो ये सुन रहे थे कि भाई बहुत सारे एक्टर्स. आपने देखी फिल्म? अरे कहाँ, 2 दिन में तो उतर आप लोगों से. मत पूछिए खतरनाक सवाल. चले, 2 दिन में किसी ने देखी है? मत पूछिए ना. चले, ट्रेलर तो देखा होगा. हाँ 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 हाँ, तभी फिल्म नहीं देखी. अल्लाह की कसम, फौज से इतनी मोहब्बत है हमें, ISPR से भी बहुत मोहब्बत है, उसके बावजूद नहीं देखी गई वो. कोई बात नहीं, आप सही से बना रहे ना खलील भाई, आप सही से बना रहे हैं. लेकिन ये वाली फिल्म उन्होंने सिर्फ लिखी है, डायरेक्ट वो नहीं करे, डायरेक्ट तो इसको फारूक मेहर करे. शुक्र, अब सही बने, अब सही बने, अब रेसिपी ठीक है. अच्छा, इसमें अंदर बहुत सारे एक्टर्स शुरू में थे और बाद में नहीं थे, आते जाते रहे बहुत सारे, नहीं हमने सुना हुआ. देखो मना नहीं करना, मना नहीं करना, मना नहीं करना. तो इसके अंदर आप रही वहां पे, व्हाट वाज द ट्रिक? समय भी रहे, समय पे तो बल्कि मुझसे भी पहले के थे और एंड वक्त तक रहे. आयशा भी पहले दिन से थी और एंड वक्त तक रही. उनकी तो मजबूरी हो सकती.
क्या मजबूरी भाई, मैं कौन होता हूँ बताने? नहीं तो आप ही ने कहा है मजबूरी, तो मैंने पूछा है क्या मजबूरी। वैसे आपको क्या लगता है क्या मजबूरी हो सकती है समी खान की? समी खान की मजबूरी हो सकती है कि भाई वो खलील सर के दोस्त होंगे शायद। आयशा की मजबूरी हो सकती है वो समी की दोस्त होंगी। अब आप बताएं आप किसकी दोस्त थी? मैं आयशा की। आयशा की, हाँ ये सही, ये पूरा एक ट्रायंगल बन गया। खलील साहब बिलाज में बैठे हैं, आप तीनों दोस्त ही बना लेते हो फिल्म, शायद चल जाती चार चार दिन तो चल जाती हो। चाय पी, चाय पी। तो ये जो ब्यूटी का स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है, इसको मेंटेन करना एक स्ट्रेस नहीं है? स्ट्रेस है और बहुत मुश्किल है, एक्चुअली बहुत मुश्किल है। इसको जरा एक्सप्लेन करें, क्योंकि बहुत एस्पायरिंग लोग भी है ना जो मॉडलिंग करना चाहते हैं, तो लेट देम नो कितना मुश्किल है ये। क्या पूछूं, क्या पूछूं? अब इतना सीरियस सवाल, इतना सीरियस। अब मैं क्या, हम क्या सब आपकी वजह से, आप क्यों ऐसे दिखने में? उस शो में लोगों ने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया। मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया, मेरी जिसामत का मजाक उड़ाया, मेरी शक्ल का मजाक उड़ाया। डोंट इंटरप्ट। बताइए ना क्या 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 करना पड़ता है, बताए मुझे, बताए मैं चला जाऊंगा बनना मॉडलिंग, मुझे मॉडल बनना है। तो आप तो ऑलरेडी पतले हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। बस पतला हो, पतला हो, बस पतला हो, मॉडल बन जाते हैं। और आप लंबे भी हैं। वेरी गुड, तो मुझे कोई मिल जाएगा, ये मुझे दे देंगे, ये रिजवान मौसम के कपड़े पहन सकता हूँ। रन कर रहे हैं आप ऑलरेडी, ब्राइडल वो जो उनका होता है उसमें मैं काम कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। लहंगा पहन, लहंगा पहनेंगे, पहन लूंगा मैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? लहंगा पहनना बुरी बात है क्या? लहंगा पहन लूंगा मैं, जरूरी है लड़कियां ही पहने लहंगा। अरे आप देखें तस्वीरें आती ना, वो लड़के क्या क्या टोकरी पहन के आ रहे हैं। अभी तो आजकल साड़ी पहन के भी लड़कों ने मॉडलिंग की है भाई। कीका में वो जो फिल्म थी उसमें कीका हील्स पहनी है लड़के ने। छोड़ दो, आप मेरे जेंडर जज नहीं करो, आप सिर्फ मेरा टैलेंट जज करो। इस पर जेंडर इज माई पर्सनल थिंग ना। नो आई एम नॉट जजिंग, प्लीज। मैं अंदर से क्या हूँ आपको क्या पता? आप सो रहे हैं, गहरी नींद में है, अचानक उठी और आप लड़का बन चुकी, पहला रिएक्शन क्या हुआ? तारे जमीन पर का करेक्टर है। खैर आप लड़का बन चुकी, सोकर उठी, इसके बाद का क्या रिएक्शन? आई थिंक आई विल डाई, पता नहीं, उठते मर जाएंगे। आई कांट इमेजिन माय सेल्फ टू बी। अच्छा अम्मी का क्या रिएक्शन होगा? बेटा उठ गया, अम्मी बोलेगी ओ चलो अब तो फरी फरी शादी कर लो, अब तो तुम लड़का हो। अम्मी वही है, अम्मी कंसिस्टेंट है, अम्मी अपने डायलॉग चेंज नहीं कर रही। अरे तुम अब लड़का बन गई, ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब शादी कर लो। ये होता है ना, प्रोड्यूसर्स पैसे नहीं देते इंडस्ट्री में। ISPR वाज द प्रोड्यूसर। अरे छोड़े वहां भाई, उनकी बात कौन कर सकता है, उनकी बात कौन कर सकता है, वो तो बहुत पैसे देते हैं, वो तो फिल्म करने की नियत कर लो तो पैसे दे देते हैं। सही है, आप बहुत अच्छे हैं। ये सुना इंडस्ट्री में नॉर्म है कि पैसे जरा रोक के देने, रोक के देने। हाँ मेरी अभी भी काफी हद तक पेमेंट्स रुकी हुई हैं कुछ लोगों के पास, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वो समझ गए हैं कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। बट मेरी पेमेंट्स अभी तक देनी है, 2-3 साल हो गए। दो ना, अब सीन ये है कि ये जो प्रोड्यूसर को फोन करके हम एक्सक्यूज देते हैं ना, जैसे मुझे अगर ये इनसे नाशपाती वालों से पैसे लेने होते ना तो मैं बड़ी दर्दनाक है, सर भाई इलाज चल रहा है मेरा प्लीज। हाँ तो आप कोई बहाना बनाया कभी? नहीं, छत डल ली है घर की प्लीज दे दे। यार आप इतनी अमीर है ना, नहीं सच बोलो ना, झूठ क्यों बोलना, बहाना क्यों बनाना? आप देते अपना हक मांग रहे हो, आप किसी से वो थोड़ी कर रहे हो, आपने मेहनत की है तो दे देते हैं सच बोलने से पैसे। अब कुछ लोगों ने तो अभी तक नहीं दिए, कुछ लोग दे देते हैं। नहीं अच्छा ठीक है। हाँ ये वाला स्टाइल खास है, जब कहीं जाती हो बाहर और कोई ना पहचाने तो दर्द होता है। अगर मुझे कोई अप्रिशिएट करेगा तो मैं खुश होंगी, छोटी छोटी तो खुशी है सबकी, यही तो हमारी कमाई है असली। प्रोड्यूसर पैसे कहाँ दे रहे हैं? ऐसा ही है, तो जब लोग आपको आके अप्रिशिएट करते हैं, आप के साथ पिक्चर खिंचवाते हैं या बोलते हैं कि आपका एक तो ये बड़ा बोलते हैं ये अब आई फोन टीवी में तो इतनी बड़ी लगती हो, इतनी रियल में कितनी छोटी सी और पतली सी हो, मुझे समझ नहीं आता कि तारीफ कर रहे हैं या बेइज्जती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ ये बड़ा एक तो ये तो नहीं कहते बेटा शादी कब कर रही हो, क्राउड में कभी किसी ने पूछा है? अम्मी अम्मी जैसी लुक डायलॉग्स दिए किसी ने, बेटा शादी क्यों कर लो? हाँ पूछते हैं लोग, काफी हद तक तो लोगों को लगता है कि मेरी शादी हो भी चुकी है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बता दिया, क्लियर हो चुका, वो तो क्लियर आपने कर दिया, वो बिल्कुल क्लियर। अच्छा बाथरूम सिंगर्स होते हैं,
हम लोग मेरे जैसे फटी आवाज के लोग बाथरूम में भी, मैं तो खैर बाथरूम में भी बहुत बुरा लगता हूँ गाना, बाथरूम में कौन सा गाना गाते हैं? मैं तो नहाते नहाते डांस भी करती हूँ। आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। आप कुछ करें भाई, आप तकलीफ नहीं है। गाने भी गाती हूँ, डांस भी करती हूँ। तो फेवरेट गाना कौन सा है बाथरूम का? तो वो है प्यार तूने क्या किया। वेरी गुड। यानी कोई ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, फिलहाल तो नहीं, थोड़ी धुंधली धुंधली पिक्चर है। अच्छा, आ रहे मार्केट में, आ रहे लड़का, आ रहे, क्लियर हो जाएगी तो फिर सबको पता चल जाएगी। अच्छा, शीशे में मैंने सुना है, फैक्ट्स पढ़े, फन फैक्ट्स, तो वो ये थे कि भाई शीशे में ना आदमी 5 टाइम ज्यादा अच्छा लगता है अपने आप को। अब देख क्या डिप्रेशन दे दिया मैंने। ये तो डिपेंड करता है, हो सकता है आप अपने आप को किसी की आंखों में ज्यादा खूबसूरत लगे शीशे से। आपकी बात नहीं करें। ये तो है, ये तो है। अच्छा, अजीब सा सवाल है, जवाब तो नहीं दे पाती हम, घंटा जवाब देंगे इसका। क्यों? क्या आप चैलेंज कर रहे हैं मुझे? हाँ, पूछ लो फिर, क्या साफ सवाल है। पूछे, पूछे, इस इंडस्ट्री में अगर शादी करने का मौका मिले तो किससे करेंगी, अब बताएं? इस इंडस्ट्री में? हाँ, ये जो है हमारी स्टील इंडस्ट्री। सारे तो ऑलरेडी मैरिड है, उन्हीं से करना चाहती है, मैरिड लोगों से, और कोई ख्याल नहीं है, सिंगल नहीं है? नहीं, सारे अच्छे लड़के आर टेकन मैरिड ऑलरेडी। हाँ यार, हम लोग सब शादी कर चुके हैं। जी जी, दो बच्चे भी, इतना मैरिड हूँ। तो इंडस्ट्री में उन्हीं लोगों से करना चाहती हूँ जो मैरिड है। मैं समझ गया, दो तीन ही तो नाम है। कौन? अच्छा बताएं, मैं देखती हूँ आप कितना मेरा दिमाग पढ़ रहे हैं। कौन? कसौटी खेलूंगा मैं, रख दो बेटा। नाम बताएं। क्या वो जिंदा है? ऑफ कोर्स जिंदा ही तो होंगे। क्या उनका प्रोडक्शन हाउस है? नहीं है। क्या वो, छोड़े यार, आप जवाब दे देंगे लगता है। जो आप हमजा अली अब्बासी। अरे यार, हैं तो बड़े अच्छे हैं तो सही, और कोई बात नहीं यार, क्या हो सकता है, क्रश भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं तो जज नहीं करता इन चीजों पे, आपकी अपनी। बट अभी तो ही इज मैरिड, तो ही इज टेकन। आपकी कभी मुलाकात हुई हमजा से? नहीं, नहीं हुई कभी। कभी मिले तो आप मुझे कहिएगा यार इमरान खान एक ही ठीक है। आप क्यों बने जा रहे हो? वो भी एक तरीके से बहुत करते हो। तौहीन कर रहे हैं आप मेरे क्रश की? नहीं, तौहीन नहीं कर रहा। क्यों? इमरान खान कहना तौहीन है यार, पाकिस्तान आप में जिस तरह से बोल रहे हैं, मतलब पाकिस्तान में मैं कह रहा हूँ एक ही अच्छा है ना, इमरान खान से स्टार्ट होता है इंसानों, मर्दों की हैंडसम होने का स्टैंडर्ड। प्रॉब्ली ही इज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम गाइज इन पाकिस्तान, और वो दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। तो इमरान खान? हाँ, आई डोंट फाइंड हिम गुड लुकिंग। अरे भैया, होंगे बट ही इज नॉट माई टाइप। अच्छा, टाइप बताएं। अभी तो बताया हमजा अली अब्बासी, एक ही बात हो गई, ये तो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। नहीं, आपको सेम लगते हैं, मुझे नहीं लगते, अपना अपना नजरिया है, वही मैंने कहा नजरिया है। पाकिस्तान जो है आपका गलत हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, जब आप फेमस हुई, आप लोग, आप जानना शुरू हुए इंडस्ट्री में, भी लोग आपको जानते हैं, 4 लाख से ऊपर फॉलोअर्स, तो कोई ऐसी चीज जो आपने अपनी पर्सनैलिटी में रियलाइज किया, भाई यार ये क्या हो गया मुझे, ईशल ये क्या कर रही हो तुम? वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं पहले शूट्स करती थी, नंगे पुंगे भी शूट्स कर लेती थी, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि यार ये गलत हो रहा है, मतलब नहीं पहनने चाहिए इस तरह के कपड़े, ना इस तरह के कपड़ों में पिक्चर्स खिंचवानी चाहिए। तो फिर मेरे इस तरह के जितने भी कपड़े थे मैंने उठा के सारे फेंक दिए, बेचे नहीं, बेच के अरे OLX पे लगा देती, इतने खरीदा, नीलामी कर देती उनकी वहां पे, वो हॉलीवुड में तो चुंगम में नीलाम हो रही है भाई, ब्रिटनी स्पीयर ने चुंगम का ही थूकी, नीलाम हो रही है, $50,000 की बिकी भाई वो थूकी भी चुंगम। Are you serious? मैं मजाक नहीं कर रहा, गूगल करें, बल्कि मैं तो कम रकम बता रहा हूँ। अच्छा, चुंगम में खाएं, चुंगम में तू हर जगह चुंगम में थूक, मजाक नहीं कर रहा। अच्छा ईशल, क्विक सवाल, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनने का मौका मिले तो क्या बनेगी? फोन। फोन में ऐसा क्या है? फोन लेके जा रही है, फोन लेकर आ रही है, बनना भी फोन है, कुछ तो है दया, कुछ तो फोन आई थिंक सबसे ज्यादा यूज होने वाला आइटम है तो आपको बनना है तो आपको ऐसी चीज बनो ना जो काम आए और जरूरत से ज्यादा काम, एम्बुलेंस बन जाए, काम आए, स्टेथोस्कोप बन जाए, काम आए, ब्लड प्रेशर की मशीन बन जाए, काम आए भाई, वेंटिलेटर बन जाए, काम आए मोबाइल फोन, उसमें तो इतने सारे काम आ रहे हैं, कभी कभी लोग फंस भी रहे हैं उससे। यार मैं तो रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर अब टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी हो गए हैं कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट।
Assalamualaikum and hello everybody. This is me, Ishal Fayaz, and don't forget to subscribe to their YouTube channel, Nashpati Prime, and keep watching the show, To Be Honest.